हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही कम बजट में आने वाले पार्टी स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर आपका बजट मतलब 1000 से 3000 के बीच में है एंड आप यार इस प्राइस पॉइंट में कोई बैटरी वाला पार्टी स्पीकर परचेज करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एंटर ब्रांड के पार्टी ब्लास्टर 10 की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये जो मॉडल है ये काफ़ी बढ़िया है अगर आपका बजट कम है। वैसे मैं आपको इसकी MRP बता देता हूँ। दोस्तों, अभी इसकी MRP चल रही है 2599 रुपीज़। बट दोस्तों यार, ये MRP है, एक्चुअल प्राइस नहीं है। अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो आपको ये मॉडल काफ़ी बेस्ट प्राइस पर PC मीडिया पर मिल जाएगा। सो आप PC मीडिया से कांटेक्ट करके इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। मतलब यार 2500 की MRP है। सो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। जरूर से आप PC मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PC मीडिया का कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस मॉडल को अनबॉक्स करेंगे एंड आपको इसका डिटेल पे साउंड टेस्ट भी करवाने वाले हैं। सो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस मॉडल की साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो यार, वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा एंटर पार्टी ब्लास्टर 10 स्पीकर का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों, बॉक्स पर हमें फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों, इस पर हमें 8 इंच का ड्राइवर मिल जाता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, कैरियोके भी हमें मिल जाता है, USB का सपोर्ट भी मिलता है, HD साउंड मिलता है, FM रेडियो का भी सपोर्ट हमें मिल जाता है। साथ में मॉडल का जो डिज़ाइन है वो भी बॉक्स पर बना हुआ हमें मिल जाता है। सर, फटाफट से दोस्तों पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, फिर आपको हर एक चीज़ को डिटेल पर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें एक पैकेट मिल जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, इस पैकेट के अंदर हमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले यूज़र मैनुअल इस पर मिल जाती है। प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यार, हमें चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। सो इससे दोस्तों हम अपने स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर के साथ कनेक्ट करके। माइक्रो USB केबल है ये दोस्तों। चलिए अब अपने पार्टी स्पीकर को भी बॉक्स से बाहर निकालते हैं, अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्पीकर को अनरैप कर दिया है। साइज़ जो है दोस्तों, इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, मतलब आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसे पूरे डिटेल में दिखा देते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों, हम इसकी टॉप साइड को डिटेल में देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, हमें पावर ऑन ऑफ के लिए नोब इस पर मिल जाती है एंड पावर ऑन ऑफ वाले नोब से ही दोस्तों हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, हमें चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे से दोस्तों ये स्पीकर चार्ज होगा। ऑक्सिलरी पोर्ट मिल जाता है एंड हमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन मिल जाते हैं। साथ में हमें मोड चेंज करने के लिए भी बटन इस पर मिल जाता है। दोस्तों, हमें USB पोर्ट भी मिल जाता है एंड हम अपने वायर्ड वाले माइक को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बटन्स हमें टॉप पर मिलते हैं। साथ में हमें LED डिस्प्ले भी इस पर मिल जाता है। दोस्तों, सामने की तरफ से ही हमें 8 इंच का ड्राइवर इस पर मिल जाता है। सो यार, 8 इंच का मिलता है, देखते हैं यार साउंड क्वालिटी कैसी हमें मिलेगी इस पर। अगर दोस्तों मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इस मॉडल की जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट सी लग रही है, नॉट गुड नॉट बैड। चलिए अब मैं आपको चारों साइड को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं एंड मैं आपको इस पार्टी स्पीकर के थोड़े फीचर्स के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, ये जो स्पीकर है ये TWS को सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, इस पर हमें 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 2 से 3 आवर्स तक चार्ज हो जाएगी एंड 2 से 3 आवर्स का प्ले टाइम हमें देगी। साथ में दोस्तों, इस पर हमें 20 वॉट्स का साउंड आउटपुट मिल जाता है। बाकी दोस्तों, इस पर हमें FM रेडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब अपने पार्टी स्पीकर को पावर ऑन कर लेते हैं। तो देख लीजिए, डिस्प्ले ऑन हो गया है एंड आपको इस मॉडल का साउंड टेस्ट करवा देते हैं। तो देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। दोस्तों, साउंड टेस्ट करने से पहले यार एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। सामने की तरफ से देखिए, हमें लाइट इफेक्ट कितना कमाल का इस पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। RGB लाइट इफेक्ट है दोस्तों, मल्टी कलर लाइट्स मतलब जल रही है सामने की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। Touch me, touch me, touch me, no more. About humanity.
तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस पार्टी स्पीकर का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको पता लग गया होगा कि ये मॉडल 2 से 3000 में बढ़िया है या नहीं है, मतलब 2000 से वैसे कम में ही आपको ये मिल जाएगा। सो इस प्राइस पॉइंट में ये बेटर ऑप्शन है या नहीं है, ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार जिस हिसाब से इसका बजट है उस हिसाब से दोस्तों मुझे ये ठीक लगा है, मतलब साउंड क्वालिटी बढ़िया है। बट ऐसा नहीं है यार, आप इससे ऐसा समझे कि यार आपको बहुत अच्छा बेस मिलेगा, अच्छी लाउडनेस मिलेगी, उस लेवल का साउंड परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। हाँ जिस हिसाब का प्राइस है उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी वाला है, साथ में माइक का फंक्शन हमें इस पर मिल रहा है, मतलब वाइड वाले माइक को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे लेटेस्ट फीचर हमें मिल ही रहे हैं जैसे कि ब्लूटूथ, USB, AUX, FM, तो यहाँ पर आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। बाकी दोस्तों यार साउंड क्वालिटी आप मतलब नॉर्मली समझिएगा यार, ऐसा मत समझिएगा कि भयंकर बिल्कुल तबाही वाला साउंड एक्सपीरियंस इस पे मिलने वाला है 8 इंच के ड्राइवर के हिसाब से, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस मिलेगा, एक डिसेंट लेवल का साउंड परफॉर्मेंस मिलेगा। हाँ मतलब इतना कह सकता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट में वैसे नॉर्मली ब्लूटूथ स्पीकर हमें मिलते हैं, सो ब्लूटूथ स्पीकर से तो काफ़ी तगड़ा साउंड आउटपुट मिल जाएगा। बाकी सामने की तरफ से जो लाइट इफेक्ट है वो भी बढ़िया लगती है इसकी, सो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, इसे ज़्यादा वेटेड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट सा है। सो ओवरऑल दोस्तों ठीक है मेरे हिसाब से, अगर आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर से थोड़ा अच्छा साउंड वाला पार्टी स्पीकर चाहिए तब आप इसे परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज यार अगर आप बिल्कुल हाई लेवल वाले पार्टी स्पीकर का साउंड आउटपुट के हिसाब से इसे परचेस करेंगे तो वहां पर आपको मज़ा नहीं मिलेगा, ये मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। सो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।